हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट का अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जो निम्नतम अवस्था होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, उस स्थिति को क्या किया गया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर किसी न किसी ऊर्जा के बैंड का क्या किया गया है, यहाँ पर निर्माण होता है। अब ये ऊर्जा का बैंड किस तरह से निर्माण होता है, इसमें निम्नतम अवस्था अपन किसे कहेंगे और इसके लिए आपको किस तरह के कंपाउंड्स हैं उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी, उसके बारे में अपन इस जो वीडियो है इससे रिलेटेड अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने ग्राउंड स्टेट पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये किस पर डिपेंड होती है कि भाई यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है, हो रहा है, तो ये किस में होगा, आपके ऑर्बिटल्स के अंदर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए उसकी अपन कहें 4 क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याएं हैं, ये जनरली आपके N, L, M एंड S इस रूप में क्या हो सकती हैं, व्यवस्थित हो सकती हैं। यहाँ पर इस रूप में अपन संबंधित कह सकते हैं, इससे रिलेटेड हो सकती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स में अगर होता है तो उसके लिए चारों क्वांटम संख्याएं हैं वो इस प्रकार लिखी जा सकते हैं। जैसे अपन ने प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो एक द्विगुंशी क्वांटम संख्या से रिलेटेड जो आपका आपके जो ब्रेकडाउन देखा था आपके किसके लो पार्ट ब्रेकडाउन, उसमें अपन ने यहाँ पर इसकी वैल्यू देखी थी और उसके आधार पर एक्सप्लेन किया था कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ क्या बताया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑर्बिटल के अंदर आपका हो रहा है और इसमें जिस संख्या के अंदर उपस्थित होता है उसके आधार पर उसकी जो क्वांटम संख्याएं हैं उसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर अपन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट को अपन किस इस तरह से समझा सकते हैं कि इसको अपन एक डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि क्या बताया गया है कि आपके ऊर्जा के विभिन्न स्तर हैं, इन स्तरों में जो आपका सबसे निम्नतम ऊर्जा वाला स्तर है, जो सबसे ग्राउंड वाला स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा न्यूनता हो, इलेक्ट्रॉन सबसे कम मात्रा में, मतलब आप मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं कि निम्नतम अवस्था हो और जिसके लिए मल्टीप्लिसिटी आपकी बहुकता है वो क्या हो, अधिकतम हो, तो ये जो अवस्था है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। क्या कहलाएगी, आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, की विभिन्न ऊर्जा स्तरों में किसी एक विशेष ऊर्जा स्तर के दें या किसी एक स्तर के लिए जो आपके आपके इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनता और आपकी मल्टीप्लिसिटी है इसकी जो अधिकता है इसका मान कह दे या इसकी जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बात करूँ, ये टाइटेनियम है, इस टाइटेनियम आयन के अंदर बात करें ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये किससे रिलेटेड है, आपका डी ऑर्बिटल से यहाँ पर रिलेट है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन नंबर है, इलेक्ट्रॉन नंबर है वो यहाँ पर कितनी संख्या में उपस्थित है, सिर्फ और सिर्फ
जो वन इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होगा आपके पाया जाएगा, और जिसकी वजह से अपने यहाँ पर इसी का एग्जांपल ले लें, कि इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम आपका बनाया जाएगा वो क्या होगा, है अपन कह दें ग्राउंड स्टेट वाला बनाया जाएगा। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है ग्राउंड स्टेट वाला स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, कि यहाँ पर जो इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बना है कैसा है, निम्नतम अवस्था वाला है, ग्राउंड स्टेट वाला, या इसे एक और कह सकते हैं कि ये जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जनरली सिंपल स्पेक्ट्रम कहलाता है, कि जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और साथ में बात करें कि जनरली ये किस में होगा, आपके डी ऑर्बिटल्स में होगा। और इसी संकुल के लिए अपन बात करें तो इस संकुल में अपने को बात कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें, इस कॉम्प्लेक्स के लिए अपन बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में आपके दो तरह के इसमें ऊर्जा स्तर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बनेगा आपका T2G। देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफलकीय है। तो यहाँ पर जो है इसमें दो ऊर्जा स्तर होते हैं, एक तो T2G और दूसरा EG ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। भाई इसके अलावा तो कहीं और ट्रांजिशन हो नहीं सकता, क्योंकि अपन को पता है कि डी जो ऑर्बिटल्स हैं इन्हीं में ज़्यादातर ट्रांजिशन आपका होता रहता है। तो क्या बताया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ इन ऊर्जा स्तरों में, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर एक आपके एक लार्ज बैंड का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, कि यहाँ पर जो बैंड है वो कैसा होता जाता है आपके चौड़ा हो जाता है, यानी इसकी अपन कह दें कि जो चौड़ाई है वो ज़्यादातर क्या है, वो एक चौड़ा बैंड है, मतलब इसकी मात्रा है वो क्या हो जाती है जनरली बढ़ जाती है। अब यहाँ पर इसकी उलट बात करें कि जैसे जैसे इनमें आपका जो धातु आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, मतलब ये मान कम हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो क्या बताया गया है, इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम आपका प्राप्त होगा उसमें धीरे धीरे क्या है, जटिलता आने लग जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि इसके बाद वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किए जाते हैं, इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है इसकी जो आपकी बैंड फॉर्मेशन होती है, इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका स्पेक्ट्रम बन जाता है, आपका जटिल टाइप का इसमें जो है इसमें स्पेक्ट्रम बनता है और फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अतः अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो इंट्रा मोलिकुलर आपकी या इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वो क्या होता है, वो भी बढ़ता चला जाता है, कि भाई आपको सीधा पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, और यहाँ पर साथ में क्या बढ़ रहा है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पर जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है अंतर आणविक जो आपका प्रतिकर्षण है इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे आपकी जो विभिन्न प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं उनके द्वारा अलग अलग जो क्वांटम संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ धीरे धीरे क्या करने लग जाती हैं,
यहाँ पर युग्मन करने लग जाती है कि इसके द्वारा रिपल्शन हुआ, ठीक है, रिपल्शन तो ठीक है लेकिन फिर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता है इसकी वजह से आपका जो क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये क्वांटम नंबर धीरे धीरे क्या है, आपके कपलिंग करना स्टार्ट कर देता है, युग्मन करना स्टार्ट कर देता है और एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ता है कि इसमें जो स्पेक्ट्रम है वो ओवरऑल जो है इसमें बढ़ने लग जाता है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपका बन रहा है, ठीक है, अब वो इसी से रिलेटेड हो सकता है या किसी अन्य डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या है कि जो ऊर्जा स्तर है वो एक दूसरे के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं कि यहाँ पर क्वांटम नंबर में क्या हुआ, कपलिंग हुआ और कपलिंग की वजह से जो मेटल आयन की जो ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकती है, उन मेटल के जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब अपने को इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विभिन्न ऊर्जा के स्तर बने, उन्होंने एक दूसरे के साथ कपलिंग करना स्टार्ट किया, तो अपन ये कह सकते हैं विभिन्न ऊर्जा स्तरों के लिए वह ऊर्जा स्तर जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका निम्नतम अवस्था में हो, मिनिमम कंडीशन में हो और उसकी मल्टीप्लिसिटी अधिकतम आपको देखने को मिलती हो, तो यहाँ पर ये जो आपका एनर्जी लेवल कह दें आपका क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि अगर ये आपका स्पेक्ट्रम आपका फॉर्म कर रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, क्योंकि आपके जो क्वांटम नंबर हैं वो कपलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो ऊर्जा स्तर हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, आपके कॉन्जुगेट होने लग जाते हैं, उसमें आपके कपलिंग कर लेते हैं। तो मेन रीज़न उसका क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ने के कारण आपका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ा और इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ने के कारण क्या है, आपका जो क्वांटम नंबर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, जिससे ये जो क्वांटम संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ कपलिंग करना, युग्मन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे जो आपका मेटल आयन है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इसकी वजह से अपन ने क्या देखते हैं कि आपका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट है वो इसमें फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या बात बताया गया है कि जनरली ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट आपके तैयार होती है या बनती हैं, ये जनरली किसकी वजह से देखने को मिलेगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट, तो ये जनरली आपको किसकी वजह से मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह दी या इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है उसके द्वारा भी हो सकता है। तो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और वो ग्राउंड स्टेज से एक्साइट होकर आपका अपर स्टेज में चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो ग्राउंड स्टेट है इसमें क्या है, ये आपके जो डिफरेंट टाइप के एनर्जी लेवल्स हैं इन लेवल्स का क्या हो जाता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट होता है और ट्रांजिशन की वजह से आपका जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है जनरली कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाया जाता है।
आपका जो है जटिल टाइप का इसमें आपका क्या बना दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम है वो इसमें बना दिया जाता है। अब बात करें कि अपन ने अभी देखा कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर बन रहे हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हो रहा है, तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इनमें जा तो रहा है लेकिन अपने को तो पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी भी ऑर्बिटल के अंदर उसका क्या होगा, मोशन होगा कि वो वहाँ कोई ना कोई गति करेगा। तो जनरली जो आपका कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांजिस्ट कर रहा है, जनरली यहाँ पर आपको जो दो तरह की स्पिन है वो इसके द्वारा आपको देखने को मिलेगी। पहली स्पिन की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण और दूसरा उसका इसकी ऑर्बिटल मोशन, यानी चक्रीय गति और कक्षीय गति है, इसकी वजह से क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो आपके आपके शो किया जाता है। अब क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की ये जो गति आपके हो रही है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो वो भी क्या है, मोशन कर रहा है, तो वहाँ पर या तो वो स्पिन करेगा या फिर वो इसमें ऑर्बिटल के अंदर आपका चक्र आपके इसमें आपके शो करेगा स्पिन। तो यहाँ पर ये जो दो तरह का स्पिन होता है इसकी वजह से इसका क्या बनाया जाता है, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न किया जाता है, इसका कोणीय संवेग उत्पन्न किया जाता है। अब ये कोणीय जो संवेग है वो यहाँ पर आपको दो तरह से शो किया जाएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है, दो तरह से मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, चक्रीय कोणीय संवेग, और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दो तरह का जो स्पिन मोमेंटम है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। और जनरली ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपके ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र है उसके लिए ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके द्वारा चक्रीय कोणीय संवेग है वो उत्पन्न होगा, अगर चक्रण गति करता है, अगर ऑर्बिटल के अंदर गति करता है तो वहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो इसके द्वारा शो किया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई धातु आयन के अंदर है जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित है वो उसमें ट्रांजिस्ट हो रहा है कि भी कोई मेटल आयन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है। तो यहाँ पर कक्षीय कोणीय संवेग या कोणीय संवेगों की कह दें इसकी और इसकी, इन दोनों की जो ओवरऑल वैल्यू है इसका जो परिणामी मान है वो क्या होता है, आपके यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा कि इसका परिणामी मान ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है वो अलग अलग तरीके से होता रहता है। अब देखिए यहाँ तक की जो बात की वो किसी फिक्स मॉलिक्यूल के लिए बात की गई है, अब उसके बाद क्या बताया गया है कि अगर कोई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत संख्या में उपस्थित हो, पॉली इलेक्ट्रॉन कंडीशन है वो किसी धातु आयन के पास हो कि उसके पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो यहाँ पर अपन बात करें कि इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कोणीय संवेग के प्राप्त करने और इसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का जो ट्रांजिशन है कि भाई आपका जो परिणामी कोणीय संवेग है, ठीक है, वो आपके स्पिन मोमेंटम और आपका ऑर्बिटल मोमेंटम इन दोनों का ही जो वैल्यू है वो क्या कहलाए, आपका
जो कोणीय संवेग है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए विभिन्न ऊर्जा स्तरों में ट्रांजिस्ट करने के लिए होता है, वो इन दोनों की वैल्यू के इक्वलेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि हमने ये चीज़ तो बता दी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है उसकी वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन पर डिपेंड करती है कि वो स्पिन किस तरह से, मोमेंटम किस तरह से करा, गति किस तरह से करा, एक तो स्पिन टाइप होगी, एक ऑर्बिटल मोमेंटम हो गया। अब इसके बाद बात कि अपने को पता है कि कोई भी मेटल आयन है उस मेटल आयन के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके जनरली कौन से ऑर्बिटल में व्यवस्थित होंगे कि जहाँ पर आपके जो है अपन कह सकते हैं आपका वैलेंस शेल उपस्थित हो। तो क्या बताया गया है कि अगर किसी भी मेटल आयन के अंदर आपका जो वैलेंस शेल है अगर वो किस कंडीशन में पाया जाता हो, आपके आपके आंशिक भरा हुआ हो, अपन कह सकते हैं कि अनपेड कंडीशन के अंदर हो, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जनरली जो दूसरा आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या कर लेता है, आसानी से कॉन्जुगेशन कर लेता है, या अपन यूँ कह दें वहाँ पर कपलिंग स्टार्ट होने लग जाती है कि भी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर युग्मन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट की बात की तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आपके आपके यहाँ पर जो अपन ने बात की थी कि कपलिंग स्टार्ट होती है, तो क्या बताया ये जो कपलिंग है आपके दो तरह से देखने को मिलेगी। पहली बात करें तो यहाँ पर जिसको बोला जाता है जे जे कपलिंग, ठीक है, ये इसमें फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट हुआ, ट्रांजिस्ट होने के फलस्वरूप जो है इसकी जो वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो धीरे धीरे आपके क्या करते हैं, आपके युग्मन करना, कपलिंग करना स्टार्ट करते हैं। कपलिंग जनरली दो टाइप से होगी, फर्स्ट है जे जे कपलिंग। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपको ये दो तरह से मिलेगी, एक तो आपकी LS कपलिंग, ठीक है, या फिर इसको एक दूसरे विशेष नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है रसेल सॉन्डर्स, या अपन इसको RS कपलिंग के नाम से, ठीक है। तो क्या बताया है कि यहाँ पर जो वैलेंस शेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो कपलिंग करते हैं तो कपलिंग के फलस्वरूप कपलिंग दो तरह से होगी, एक तो होगी आपकी जे जे कपलिंग और सेकंड जो आपके देखने होगी वो LS कपलिंग या रसेल सॉन्डर्स कपलिंग या लास्ट RS कपलिंग। इन तीनों नाम से भी क्या है कि ये जो है वो जानी जाती है। तो देखिए ओवरऑल अपन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको डेफिनेशन रूप में बात करें तो कहेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न स्तरों में वह निम्नतम या आपके मिनिमम एनर्जी आपके लेवल की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, निम्न कंडीशन में हो, मैक्स मिनिमम कंडीशन में हो, और इसकी मल्टीप्लिसिटी इसी के लिए बात कर रहे हैं अपन, जो आपका आपने एनर्जी लेवल लिया है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी अगर मैक्सिमम हो, इसकी बहुलता सबसे ज़्यादा हो तो इस ऊर्जा स्तर की ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा मिनिमम हो। तो यहाँ पर जो है इसको अपन इसमें डेफिनेशन रूप में इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर है उसमें क्या होती है, आपकी कपलिंग होना स्टार्ट होती है। और जनरली यहाँ पर अपन ने देखा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है, लेकिन साथ में जो क्वांटम नंबर है वो क्या करने लग जाता है, कपलिंग करना स्टार्ट कर देता है, और यही कपलिंग आपके
दो तरह से देखने को मिली, एक जे जे कपलिंग और एक एल एस आर एस कपलिंग, और जिसे रसल सॉन्डर्स कपलिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है इसके बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट सेगमेंट जो अपना वीडियो का है उसमें अपन जे जे कपलिंग से रिलेटेड बात करेंगे, और साथ में जो आपकी एल एस और रसल सॉन्डर्स और या अपन आर एस कपलिंग है इससे रिलेटेड है वो बात करने वाले हैं। ये जो है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।